अच्छा, ऐसा है कि ये एक फॉर्मूला है जिससे आप हर तरह की राइटिंग कर सकते हो। लाइक आप कोई भी लाइक ऐसे लिख रहे हो, कोई ईमेल लिख रहे हो या कुछ भी आप लिख रहे हो, वो आप इस एक फॉर्मूला से लिखोगे तो आपको मतलब जिनको जो न्यूबीज है, जिनको बिल्कुल जो है वो पता ही नहीं है राइटिंग का, तो वो भी उनके लिए भी है कि वो अगर इस फॉर्मूला को यूज करें तो वो इसको यूज करते हुए हर तरह की जो भी राइटिंग होती है वो कर सकते हैं। मतलब जो भी आप लिखना चाहो, लेटर्स लिखना चाहो या जैसे स्टोरीज क्रिएटिव राइटिंग लिखना चाहो या कोई पोस्ट लिखना चाहो, कोई आर्टिकल वगैरह, वो सब कुछ जो है आप इस एक फॉर्मूला से कर सकते हो। इसको पावर फॉर्मूला कहते हैं, POWER को हम यूज करते हैं, पावर फॉर्मूला है ये। जिसमें सबसे पहले हम पी को देखते हैं कि पी से क्या है। पी से है प्रिपेयर, राइट। अच्छा, प्रिपेयर में क्या होता है कि आप सबसे पहले आपको कोई चीज लिखने को दी गई है, कोई भी चीज, तो आप सबसे पहले अपने माइंड को उसके लिए रेडी करोगे। सबसे पहले आप प्रिपेयर करते हो अपने माइंड को, उसके लिए तैयार करते हो कि सबसे पहले आपने मतलब ये नहीं करना कि आप पहले सोचने लग जाओ मुझे इस तरह से लिखना है, उस तरह से लिखना है, ये चीज नहीं करनी। फर्ज करें आपको किसी भी चीज पे कोई लेटर लिखने को मिला, सबसे पहले आप सोचोगे कि भाई मुझे ये चीज, ये जो भी मैं लिखने लगा हूँ इसके लिए मुझे क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं मेरे माइंड में। तो आपने सबसे पहले उसको मतलब ये नहीं करना कि आप उसको सोचने लग जाओ कि पहले ये चीज लिखनी है, दूसरी ये चीज लिखनी है, तीसरी ये चीज लिखनी है, ये नहीं करना। आपने करना ये है कि अभी आपने लिखना भी स्टार्ट नहीं करना, ठीक है, आपने सिर्फ सोचना है, अपना माइंड उसके लिए प्रिपेयर करना है, राइट। अब अच्छा, अब ऐसा है कि आपने जो छोटे छोटे आपको पीसेस होंगे उसके लिए आपने मतलब जैसे छोटे पीसेस मतलब है, जैसे शॉर्ट जो लेटर्स आपको लिखने को दिए जाते हैं वो होंगे, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपनी अपने माइंड को तैयार, जैसे अगर आपको एक मीटिंग हुई है और आपने अपने बॉस को लेटर लिख के देना, या अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि आप मुझे ये लेटर लिख के दो इसके ये पार्ट से, तो आपने उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना अपने माइंड में कि हाँ मैं पहले ये लिखूंगा, दूसरी ये चीज लिखूंगा या लिखूंगी और जो भी है, ठीक है। अब पहला तो अगर आप कोई छोटा लेटर लिख रहे हो या छोटा कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो आप वर्ड पैड खोल सकते हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर सकते हो, उस पर आप लिखना स्टार्ट कर दो। मतलब आइडियाज को आपने लिखना स्टार्ट करना, सबसे पहले प्रिपेयर में है, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करोगे, पहले अपना आइडियाज लोगे उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करोगे। अब आपने सबसे पहले अगर आपको कोई एस्से लिखने को मिला है तो आपने उसको कोई पेपर लेना है, उसके बीच में उस एस्से का टॉपिक लिखना है, देन उसके बाद जो भी आपको आइडियाज आ रहे हैं वो आपके उसके इर्द गिर्द लिखो, तो उसके बाद आप उसको एडिट करो या जो भी, ठीक है। अब अगर आप कहीं पे आपका माइंड स्टक हो जाता है कि भाई मैं तो ये चीज मुझे नहीं आ रही है या जो भी है, तो आपको मतलब कोई आइडिया ही नहीं आ रहा कि मुझे लिखने को चीज तो मिल गई है लेकिन मुझे तो लिखना ही नहीं आता, तो आपने WH टेक्निक कहते हैं, WH टेक्निक मतलब जो वर्ड्स जो हैं, जो क्वेश्चनिंग होती है, मतलब जैसे वर्ड व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ, W के सारे क्वेश्चनिंग वर्ड्स और हाउ एच वाला, और आपने आराम से लिखना स्टार्ट करना। आपने बिल्कुल भी मतलब उस चीज को ज्यादा, हम लोग करते क्या है कि हम लोग सोचते ज्यादा लिखते कम है। हमारे माइंड में बहुत अच्छा कोई आइडिया भी आ रहा होता है ना, हम उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं और हम जो हम कहते हैं बस ये पुराने बंदे ने ये चीज लिखी है तो ये तो अच्छी होगी, आपके माइंड में जो आता है आप लोग वो यूज नहीं करते, तो इसलिए आपने अपने माइंड में जो आए वो चीज यूज करनी है।